बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, जिसमें इन सारे एरियाज के अंदर, ये एक तरह से रेड जोन्स हैं सारे हमारे जो कंटेनमेंट एरियाज हैं, इनके अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन, सड़कों के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा जो एरियाज हमें हाई रिस्क जोन, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो हाई रिस्क जोन पाए जाएंगे, उन हाई रिस्क जोन को हम ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। रेड जोन तो वो हो गए जो कंटेनमेंट एरियाज हैं, ऑरेंज जोन वो हैं जो कि हाई रिस्क जोन है, वहाँ पे भी हम सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारे हमारे को पीआई इंडस्ट्रीज़ एक हैं, जिन्होंने हमें 10 हाईटेक जापानीज मशीन्स दी हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स दी हैं, जो एक मशीन 20,000 स्क्वायर मीटर प्रति घंटे के हिसाब से सैनिटाइजेशन कर देती है। इन 10 मशीनों को पीआई इंडस्ट्रीज़ का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये हमें ये फ्री में दे रही हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसके अलावा 50 मशीन हम दिल्ली जल बोर्ड की, जो छोटी मशीन्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग 60 मशीनों के द्वारा दिल्ली के सारे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर, और जो रेड जोन्स होंगे और हाई रिस्क जोन्स के अंदर, हम लोग सैनिटाइजेशन का मैसिव प्रोग्राम कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सेहत के लिए हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न हम कर सकते हैं, जो भी दूसरे देशों से सीखने को मिलता है कि ये भी किए जा सकते हैं, वो सभी प्रयत्न हम कर रहे हैं। साथ साथ आपको जो गरीब लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए भी सारे प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं गरीबों को खाना डेली खिलाया जा रहा है, लंच और डिनर खिलाया जा रहा है, 71 लाख लोगों को राशन दे दिया गया है, जो दिया जा रहा है, जो कि राशन कार्ड होल्डर हैं। लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो राशन कार्ड होल्डर नहीं हैं, उन्होंने अप्लाई किया है राशन लेने के लिए, उनको भी राशन दिया जा रहा है अलग अलग स्कूलों के माध्यम से। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000-5,000 रुपये दिए गए थे। और आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये ग्रामीण सेवा वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सब लोगों को, जिन जिन के पास दो कंडीशंस हैं, वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, करंट होना चाहिए, और जिनके पास वैलिड करंट बैज है, कई लोगों के बैज एक्सपायर हो गए उनको नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर इसका मतलब वो ड्राइवर का काम नहीं कर रहे, जिनके पास वैलिड करंट बैज है और जिनके पास वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, कल सुबह से दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट शुरू हो जाएगी, आप वेबसाइट पे जाके अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। हमारे पास आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं था जिसमें हम आपके पैसे डालते, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपके अकाउंट में हम 5,000 रुपये डलवा देंगे, ताकि इस विपदा की घड़ी में आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।